तो अब आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों बनने वाला भारत का पहला नाइट सफारी दोस्तों जो है दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द माई चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला वह काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे जंगल में जा रहे हैं, मतलब वो फेमस है कुकरैल पिकनिक स्पॉट के नाम से दोस्तों। तो यही रास्ता है पीछे साइड, और जैसे आप इस लोकेशन पर यहाँ पर आते हैं ना, तो आपको यहाँ पर ढेर सारे बोर्ड वगैरह देखने को मिल जाते हैं कुकरैल पिकनिक स्पॉट से लेकर, यहाँ पर डिटेल्स वगैरह दी हुई है। तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है दोस्तों, तो आइए चलते हैं, आप लोगों को इन्जॉय कराते हैं कुकरैल पिकनिक स्पॉट में। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने रास्ते का व्यू वगैरह देखा, तो अभी हम लोग आ चुके हैं, जैसा कि अभी पार्किंग में गाड़ी वगैरह लगाई थी, और ये जो आप देख रहे हैं यही एंट्री दोस्तों है। और आपको बता दें कि जब हम लोग एंट्री वगैरह करते हैं तो यहाँ पे टिकट वगैरह कुछ नहीं लगता, और ये इधर साइड पार्किंग का एरिया आपको मिल जाता है। तो गाड़ी वगैरह पार्क कर दी थी, तो आइए अब चलते हैं अंदर साइड। तो ये कुछ है बाहर का नज़ारा यहाँ के, और ऊपर साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर कुकरैल वन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए चलते हैं अब अंदर साइड, और यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हैं अमन अहमद, जिनको आप पहले से ही जानते हैं। तो आप जब अंदर साइड एंट्री वगैरह करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, हर तरफ हरियाली हरियाली, और यहाँ पे बैनर वगैरह लगा हुआ है, तो आप लोग देखिएगा। बाकी आगे की चीज़ें आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप जब इधर साइड आते हैं तो आपको जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है, देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। और यहाँ पे तो दोस्तों अभी एंट्री वगैरह तो कर ही चुके थे जैसा कि आपको दिखाया था, और मतलब हम सोचे कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें दिखें तो आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि इससे व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है, सिर्फ हरा हरा ही दिखा है, यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, घासें वगैरह, और यहाँ पे ढेर सारे आपको बंदर वगैरह भी देखने को मिलेंगे। और आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पुराने ज़माने की जो आपको लग रहा है, अभी जूम करके दिखाते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, तो ये दोस्तों उस समय की मतलब पुराने अभी हो गए कुछ साल, तो ये थी कैंटीन थी दोस्तों। तो अब तो ये कैंटीन नहीं, अब नई कैंटीन बन गई है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ खास ऐसा दिखा नहीं है यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आइए चलते हैं अब आगे की तरफ। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर भी आपको अगल बगल में ढेर सारे पेड़ वगैरह देखने को मिलेंगे। मतलब ये ऐसे गांव के लोग जो होते हैं, मतलब जैसे जो बाहरी लोग हैं ना, उनके लिए यहाँ पे सुकून के पल दोस्तों मिलेंगे। तो आइए अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं। क्या है भैया सुहाई, क्या बिस्कुट क्या छिपकली है कि क्या छिपकली है? बढ़िया भाई, जैसे नया फोटो खींच दो भेज दो। बिल्कुल तो दोस्तों अभी अंदर साइड आ चुके हैं, और कुकरैल पिकनिक स्पॉट में जो मेन चीज़ें हैं दोस्तों वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो अब आपको यहां से दिखाएंगे, और पीछे साइड का ज़्यादा नहीं दिखाया था, क्योंकि मेन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अंदर आने के बाद से आपको यहां पे मिलेंगे। तो आप यहां पे मेरे पीछे साइड भी देख सकते हैं। तो आइए अब बस थोड़ी दूर पर ही है मगरमच्छ वगैरह, आपको दिखाते हैं यहाँ पर घड़ियाल वगैरह जो भी सब कुछ, और उनके बारे में डिटेल्स वगैरह देंगे कि ये कुकरैल पिकनिक स्पॉट कब से मतलब बना, किस लिए, सारी डिटेल्स वगैरह आपको अंदर साइड देंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। नहीं नहीं। चले कुछ है ना,
तो दोस्तों अभी बाहर साइड आ चुके हैं और पसीना काफ़ी निकल रहा है और अंदर साइड ज़्यादा वीडियो वगैरह अलाउ नहीं था, तो थोड़ी सी क्लिप ही आपको दिखाई होगी। तो मतलब हमें लगा ही नहीं कि आज हम किसी पिकनिक स्पॉट पे आए हुए थे, मतलब छोटा सा यहाँ पे सिर्फ हरा भरा है और अंदर साइड गया तो वहाँ पे घड़ियाल वगैरह देखने को मिले थे और बस इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे और अंदर जाना अलाउ भी नहीं था ज़्यादा अंदर। तो बाहरी से हमने आपको दिखाया जैसा भी था यहाँ का, बस इतनी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अब बाकी चलते हैं, अब आगे साइड जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद अपने व्लॉग को एंड करेंगे। तो दोस्तों आप ये जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये औषधि वन है, इसके अंदर और ताला लगा हुआ है यहाँ पे, तो आपको दिखाते हैं। ये जब आप इधर साइड बढ़ेंगे तो ये कुकराल हर्बर गार्डन है दोस्तों अंदर साइड इसके, तो यहाँ पे भी दोस्तों ताला लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, कैप्चर करेगा मोबाइल तो जो भी होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे औषधि वाटिका पौधशाला ये आप देख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और ज़्यादा अंदर साइड नहीं जाने देंगे आपको, तो ऐसे ही आप घूम सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा हम आए हुए थे पिकनिक स्पॉट कुकराल, तो दोस्तों अब आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों बनने वाला भारत का पहला नाइट सफारी दोस्तों, जो कि अभी कहीं भारत में कहीं पर भी नहीं है नाइट सफारी, और जो कि सिंगापुर में जो नाइट सफारी दोस्तों है उसी से रिलेटेड यहाँ पे बनेगा। और तो आइएगा, और अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ घूमने लायक तो अभी है नहीं क्योंकि बहुत कम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो आप आ भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन हमें तो यार यहाँ पे नहीं अच्छा लगा, तो ऐसी व्लॉग मैं आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, और जैसे यहाँ पे नाइट सफारी बनके तैयार हो जाएगी तो वैसे ही मैं आप लोगों के लिए आऊँगा। तो आगे के लिए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।